उद्यम सिंह नगर दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ लिमिटेड खटीमा की रुद्रपुर में AGM आयोजित हुई, जिसमें बतौर अतिथि दुग्ध विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा मौजूद रहे। इस दौरान दुग्ध संघ ने GM ने 23 और 24वें वार्षिक आय व्यय का लेखा जोखा रखा, जिसमें दोनों वर्षों में संघ द्वारा 23,90,05,828 रुपए का काम किया गया, जिसमें 23,68,03,000 रुपए का व्यय हुआ। इस दौरान पूरे जनपद से आए प्रतिनिधियों ने दुग्ध विकास मंत्री के समक्ष अपनी समस्याओं को रखा। इस दौरान मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि पिछले कई महीने की रुकी हुई प्रोत्साहन राशि का पैसा भी जल्द वितरित कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इंसानों की तर्ज पर पशुओं के लिए भी 108 एम्बुलेंस योजना धरातल में उतरने जा रही है। यही नहीं, पशुओं के लिए खाद्य पदार्थों को भी सरकार अनुदान में दे रही है। रुद्रपुर से सौरभ बहुगुणा की रिपोर्ट। AGM थी, वार्षिक AGM थी, और उसमें हमारे सारे जितने भी समितियों से जुड़े हुए पूरे जिले के हमारे पशुपालक और हमारे दूध उत्पादक वाले थे, सब यहाँ पर आए हुए थे। उनके साथ बैठ के चर्चा हुई, कुछ केंद्र जो हमारे सरकार की योजनाएं थी उनको बताई, उनकी कुछ समस्याएं थी जो उन्होंने मेरे समक्ष रखी है, उस पर जाके हम ज़रूर विचार विमर्श करेंगे। और एक अच्छा माहौल है, कोशिश है, हर साल ये AGM होती हैं, इसमें सारे लोग मिलते हैं, समितियों के लोग मिलते हैं, आपस में चर्चाएँ होती हैं। तो मैं बधाई देता हूँ गंभीर जी।